एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। तो आज मैं आपके सामने आई हूं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट के रिव्यू लेके। आई होप कि ये जो रिव्यू होगा, ये जो प्रोडक्ट है, ये आप में से बहुत सारे लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लेडीज हैं जिनको हर 4-6 महीने में तो यूरिन इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो ये इन्फेक्शन के बहुत सारे रीजन्स है। तो उस रीज़न में आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो कंडीशन है, मुझे जब भी ये प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे तो लगता है कि मैं वॉशरूम से बाहर ही ना निकलूं, और मैं उस टाइम में एंटीबायोटिक ले लेती हूँ, 3 दिन का एक कोर्स कर लेती हूँ। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी 2-3 साल के अंदर आपकी बॉडी में कोई एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेगा अगर इस तरह से आप लेते रहेंगे, क्योंकि कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस टाइम में। जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं उनको पता होगा कि क्या होता है उस टाइम में। सो गाइज, आज मैं एक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल एक प्रोडक्ट लेके आपके सामने आई हूँ, जो कि आई होप कि इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अगर ना भी कर सके तो कुछ हद तक इस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम होता ही क्यों है? एक तो पानी कम पीने की वजह से, अनहाइजीनिक कुछ चीज़ों की वजह से। मुझे तो लगता है मैं काफ़ी हाइजीन मेंटेन करती हूँ, फिर भी मुझे हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हैं तो पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ करते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट में से मैक्सिमम टाइम होता है कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप घर में अपना टॉयलेट वगैरह सब साफ सुथरा रख सकते हैं, पर पब्लिक टॉयलेट का आप कुछ नहीं कर सकते। वो आप पे डिपेंड नहीं करता, वो उस जगह पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है कैसा नहीं। और आप ज़्यादा टाइम तक प्रेशर को ऐसे होल्ड करके भी नहीं रख सकते, वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सो गाइज, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है एवरटीन का टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। तो आज से पहले ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। जब ये आए तो इससे मैं 2-4 बार यूज़ की एंड गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका जो खासियत है वो मैं आपको बोल रही हूँ। इसका खासियत ये है कि टॉयलेट सीट पे जो जर्म्स होते हैं ना, उसे ये किल कर देते हैं इंस्टेंटली। तो वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपके शरीर में कोई भी जर्म्स नहीं आ पाएगा, आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। मतलब कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में ये आने ही नहीं देगा, और ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। तो ये आपके स्किन के लिए भी बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो इसे आपको क्या करना है, ये बिल्कुल एक डियो की तरह है, आप देख सकते हैं इसमें ये स्प्रे सिस्टम है। तो इसे थोड़ा सा शेक करना है, और उसके बाद जो टॉयलेट सीट है उसके चारों तरफ ऐसे एक बार स्प्रे करके देना है। उसके बाद 5 सेकेंड्स के लिए आपको जस्ट वेट करना है। जितने भी जर्म्स है जो भी है, सब वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि डियो या ऐसे परफ्यूम वगैरह हम जैसे कि पर्स में कैरी करते हैं, तो मुझे लगता है इतना पतला छोटा सा एक बॉटल हम कैरी तो कर ही सकते, क्योंकि डियो परफ्यूम इससे भी कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या मैं कमेंट सेक्शन में भी इसे पिन कर दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके आप इसमें जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, और लेडीज़ के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही कितने हैं, मेरे कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर अगर आप सही सही तरीके से इस चीज़ को मेंटेन नहीं करते तो इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा कोई डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, पर ये बहुत सारे जगह से आ सकते हैं। कहीं कहाँ से आएगा ये आपको पता नहीं, पर जितना आप पे बनता है आप उतना अपने आप को इससे सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और ये एक्सटर्नल यूज़ है, तो इसलिए मुझे लगा ये बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्किन पे यूज़ करने वाले चीज़ बहुत सारे लोग डरते हैं कि यूज़ ना करें तो ही अच्छा, बाहर का केमिकल है क्या है। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो इसके लिए कोई भी टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। और वो भी ये आपकी स्किन पे नहीं, ये आपको स्प्रे करना है वो टॉयलेट सीट पे। तो सीट पे जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं गाइस, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मतलब इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ चीज़ आएगा मार्केट में। ये खत्म होने के बाद इसे मैं रेगुलरली यूज़ करूँगी, इसका नया फाइल लेके इसे मैं रेगुलरली अपने पर्स में रखने वाली हूँ। अभी तक मेरे जो पर्स में जितने भी चीज़ें रहता है, एक मैंने वीडियो भी बनाई थी कि व्हाट्स इन माय बैग। तो अगर मैं इन फ्यूचर ये वीडियो और भी एक बार बनाती हूँ तो इसे तो मैं ज़रूर रखूँगी अपने पर्स में, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये आपके लाइफ में, आपके रेगुलर के लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर परचेस कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये शेयर करने में। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक लिए बाय।